राजनीति में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई स्थायी दुश्मन। ये तस्वीरें इस पुरानी रवायत पर मुहर लगा रही हैं। कुछ दिनों पहले तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचे हुए थे, लेकिन अब तलवारें वापस म्यान में जा चुकी हैं। सचिन पायलट करीब महीने भर बाद जयपुर पहुंचे, अशोक गहलोत के घर जाकर उनसे मुलाकात की। अशोक गहलोत ने बड़े भाई की तरह सचिन पायलट का हाथ अपने हाथों में लिया और फिर दोनों नेताओं ने विक्ट्री का वी साइन बनाया। दोनों नेता साथ साथ बैठे और संदेश दिया कि ऑल इज वेल। कांग्रेस विधायक दल की आज की बैठक से पहले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने गहलोत और पायलट खेमे के विधायकों से बातचीत की, तय किया कि जितने भी विवाद हैं उनकी पूर्णाहुति आज कर दी जाए। तस्वीर में दिख रहा है कि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने मास्क नहीं लगा रखा है। दोनों की खुशी साफ झलक रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने मास्क पहन रखा है, लिहाजा इनके मन की हलचल चेहरे से बयां नहीं हो पा रही। फिलहाल जो तस्वीरें हैं इन्हें देखकर कांग्रेस आलाकमान जरूर राहत की सांस ले रहा होगा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के इस भारत मिलाप पर यही कहा जा सकता है कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। चेहरे पर मास्क रूपी नकाब लगा था, इसलिए चेहरे का भाव पूरी तरह से तो नहीं समझ में आया। कोरोना की वजह से गले नहीं मिले, मगर उम्मीद करनी चाहिए कि दिल मिला रहेगा। बगावत के बाद सचिन पायलट कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पहुंचे तो वहां जिंदाबाद के नारों से उनका स्वागत हुआ। हालांकि ज्यादा दिन नहीं हुए जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने एक दूसरे पर करारा वार किया था। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान का राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी। ना सीनियर ने ना जूनियर ने, एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। कांग्रेस आलाकमान के दखल से सचिन पायलट की घर वापसी हुई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कह दिया कि मतभेद भुलाकर ये आगे बढ़ने का वक्त है। आज कांग्रेस विधायकों की बैठक भी इसीलिए बुलाई गई ताकि संदेश जाए कि अब राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। हमें बहुत स्पष्ट बताया गया है किसी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई शर्त नहीं है। जो भी आए हैं बिना शर्त आए हैं और आने वाले वक्त में माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस का हाईकमान मिलकर तय। 14 अगस्त को राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। सचिन पायलट की घर वापसी के बाद कांग्रेसी खेमे में अच्छी खबरों के दिन बहुर गए हैं। कांग्रेस ने पायलट खेमे के विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह का निलंबन वापस ले लिया है। हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल होने के आरोपों की वजह से दोनों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई थी। मैं इसका धन्यवाद हाईकमान को और हमारे जो प्रभारी हैं उनको और सभी शीर्ष नेतृत्व को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये सब कुछ जो हुआ वो आपके सामने है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम उन लोगों में से हैं जो पार्टी को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि मैं सत्ता में भी था और संगठन में था। अब अशोक गहलोत निश्चिंत हैं कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं, लेकिन बीजेपी अभी भी ताल ठोक रही है कि गहलोत सरकार बहुमत खो चुकी है। बीजेपी कल विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। अभी भी कोशिश की है पेचिंग की, लेकिन आप सब लोग देख रहे हो कि एक पूरब जा रहा था, एक पश्चिम जा रहा है, एक को पकड़ के ला रहे तो दूसरा जैसलमेर जा रहा है। ऐसी गति में मुझे लगता है कि सरकार ज्यादा दिन तक जी नहीं सकेगी। भले ही इसका टांका लगाने की कोशिश किया पर कपड़ा फट चुका है, तो आज नहीं कपड़ा फटेगा। बीजेपी की पूरी आस बीएसपी विधायकों की अयोग्यता पर टिकी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में भी कल सुनवाई है। हालांकि अगर अविश्वास प्रस्ताव आएगा भी तो राजस्थान सरकार को कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा। दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।